नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग YCT जनरल साइंस 2024 का संपूर्ण बुक दोस्तों पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का दोस्तों जो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले दोस्तों बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। दोस्तों जीव विज्ञान का दोस्तों आज हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 61 नंबर से लेकर के 115 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो दोस्तों आपको हमारी हर रोज शाम को रात में दोस्तों शाम 8 बजे समझ लीजिएगा 8 PM पे मिलती है और इसके पहले दोस्तों 4 बजे हमारी दोस्तों रीजनिंग की क्लास होती है और मॉर्निंग 8 AM पे दोस्तों हमारी वहां पे दोस्तों हिस्ट्री की क्लास होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज दोस्तों हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार की एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि दोस्तों रेलवे ALP और टेक्नीशियन JEE NTPC ग्रुप डी RPF SI पैरामेडिकल, दोस्तों इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, साथ में दोस्तों जब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेर सारे बेनिफिट होंगे, बेनिफिट दोस्तों इस बात के लिए होंगे कि हर रोज का करंट अफेयर वहां पे हमारे ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाता है, साथ में दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक का PDF चाहिए वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको ढेर प्रकार की PDFें फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे उपलब्ध मिल जाएंगी। और दोस्तों यदि और भी यदि कोई भी बुक आपको न मिल पा रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय और सुझाव दीजिएगा और अपनी बुक का भी नाम बता दीजिएगा कि ये बुक हमें चाहिए, तो मैं आपको उन बुकों का भी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पे पूछा गया है 61 नंबर क्वेश्चन पे, कहा गया है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखिए किसके किसके बीच में कहा गया है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कहा जाता है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा आप द्रव्य लिख दीजिएगा, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य को दोस्तों अंग्रेजी में बोलेंगे तो साइटोप्लाज्म बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है यहाँ पे, साइटो आगे लिख दीजिएगा दोस्तों प्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बातें हो गई दोस्तों, अब देख लीजिएगा तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कोशिका द्रव्य ना लिख करके इसने क्या लिख रखा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिख रखा है। तो यानी कि 61 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 61 का हमारा डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जान लिया दोस्तों, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों कोशिका द्रव्य कहा जाता है, इसी को अंग्रेजी में दोस्तों हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डॉट डॉट में मौजूद होता है। अभी देखिए पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसमें बता दिया गया, कहा गया कि वही यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा द्रव्य होता है, बात सही है, करा जो कहाँ पे मौजूद होता है। अभी आपने पढ़ा है देखिए केंद्रक और कोशिकांगों के बीच, ये गलत दे रखा है, वसाओं और ऊतकों के बीच ये भी गलत दे रखा, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच ये बताया गया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच देखिए दिया क्या गया है यहाँ पे 62 का हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है कि साइटोप्लाज्म जो एक जेली जैसा द्रव्य होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है। दोस्तों केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 62 का हमारा डी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में हमारा साइटोप्लाज्म अथवा आप कह सकते हैं इसका कोशिका द्रव्य मौजूद होता है। तो देखिए यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे दिया है ना केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है ये। और देखिए इसमें कहा ना केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या होता है, यही साइटोप्लाज्म जो जेली जैसा द्रव्य होता है भरा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 63 नंबर, और 63 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, पहला ऑप्शन में दिया गया, कहा गया डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है या साइटोलिसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है या प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दो कि 63 का जो हमारा हो जाएगा, देखिए क्या क्या पूछा गया, कह रहा है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर
कोशिका भित्त से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है प्लाज्मोसिस कहा जाता है, यानी कि 63 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो गया दोस्तों, प्लाज्मोसिस जो लिखा है, प्लाज्मोलिसिस हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर पे आ जाएंगे। और 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि डॉट डॉट को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। देखिए कोशिका द्रव्य को, माइटोकांड्रिया को, केंद्रक को, अंतःप्रद्रव्यी जालिका को। तो देखिए यहाँ पे इसने ये बताया है कि डॉट डॉट करके जो लिखा है, कहा गया है डॉट डॉट को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे किसको जाना जाता है, कोशिका द्रव्य को जाना जाता है, माइटोकांड्रिया को जाना जाता है, केंद्रक को जाना जाता है, या अंतःप्रद्रव्यी जालिका को जाना जाता है। दोस्तों आप जान लीजिएगा माइटोकांड्रिया को जाना जाता है, यानी कि 64 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। माइटोकांड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कोशिका का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकांड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस मानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपने जान लिया, और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब आपको इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, दोस्तों माइटोकांड्रिया में होता है, जिसे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए माइटोकांड्रिया को दोस्तों इसका कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर पे आ जाएंगे। और 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। देखिए इसने ये कहा क्वेश्चन में कहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। तो 65 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पे, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि कोशिका का बाह्यतम आवरण और दोस्तों कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग क्या करता है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है यही अलग कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इसके बारे में जान लिया। अब अगर कोशिका ये प्लाज्मा झिल्ली होती क्या, अगर इसके बारे में जानना चाहें तो आपको बता दूं दोस्तों, कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, या आप प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। तो देखिए प्लाज्मा या मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं दोस्तों, यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है। तो ये आपने जान लिया दोस्तों, कोशिका ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली झिल्ली होती है, या मुलायम या बहुत पतली झिल्ली होती है, जिसे ही हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपने जान लिया दोस्तों, 65 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग 66 नंबर पे आ जाएंगे। और 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण या माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, टेलोफेज का, प्रोफेज का, या मेटाफेज का, या एनाफेज का। इक्वेटोरियन देखिए इसने ये बताया है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, टेलीफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, या फिर दोस्तों एनाफेज यहाँ पे लिखा है। तो 66 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, मेटाफेज। तो यानी कि 66 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। मेटाफेज के दौरान दोस्तों होता क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं वो इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र से संरेखित होते हैं। तो और धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं दोस्तों। कुल मिलाकर आपको ये जानना है कि इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है, तो मेटाफेज का गठन करता है। तो 66 का विकल्प नंबर यहां पे अगर देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 66 के बाद हमारा 67 नंबर। और यहां पर कहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, कोशिका द्रव्य होता है, रिक्तियां होता है, या फिर दोस्तों जीव द्रव्य होता है।
स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है। यानी कि 67 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या होती है? वो होती है दोस्तों कोशिका होती है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 67 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 67 के बाद हम लोग 68 नंबर देखेंगे। और 68 नंबर पे कहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? देखिए कोशिका है, अंग है, ऊतक है या फिर दोस्तों नाभिक है। तो इन चार ऑप्शनों में से आपको अगर जानेंगे जीवन की मूलभूत इकाई जो दोस्तों होती है वो कोशिका होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 68 का हमारा विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है दोस्तों, तो वो कोशिका होती है, ना कि दोस्तों अंग, ना नाभिक, ना ऊतक। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 68 के बाद हम लोग 69 नंबर पे आ जाएंगे। और 69 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि पुटिकाओं यानी कि वेसिकल्स, यानी पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम या गाल्जी काय? तो 69 का अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि गाल्जी काय। यानी कि पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? देखिए पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो वो उत्तरदायी है दोस्तों गाल्जी काय। यानी कि 69 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन जान लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या हमारा दिया गया है, यहाँ पे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। और 70 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? गाल्जी काय की, माइटोकांड्रिया की, लाइसोसोम की या रस धानी की? तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कह रहा है कौन सी झिल्ली संयोजित थैली यानी कि पाचक एंजाइमों से, मेन ये वर्ड मेन है हमारा, देखिए पाचक एंजाइम जो हमारा दिया गया है ये मेन और मुख्य हमारा वर्ड हो जाएगा, यानी कि संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो वो दोस्तों हमारा लाइसोसोम हो जाएगा। यानी कि 70 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जानेंगे तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज दोस्तों डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1955 ईस्वी में किया था। तो देखिए अगर यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम लिखा, लाइसो आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, सोम आगे लिख दीजिएगा। लाइसोसोम की खोज की बात अगर की जाए, खोज 1955 में, देखिए 1955 में, 1955 ईस्वी में हुई थी। अब किसने की थी दोस्तों? डी डुवे ने की थी। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी डुवे ने किया, डी डुवे ने किया दोस्तों, ये इनका वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक डी डुवे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वैज्ञानिक डी डुवे आप लिख दीजिएगा। कौन से वैज्ञानिक है दोस्तों? वैज्ञानिक डी डुवे ने किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी में किया था। अब तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते होंगे, तो दोस्तों इसे आप क्या कह सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिला के निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली यानी पाचक एंजाइमों से भरी होती है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज दोस्तों 1955 ईस्वी में हुई थी। कौन से व्यक्ति ने किया था? वैज्ञानिक डी डुवे ने किया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 71 नंबर, और 71 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है? दोस्तों अभी आपने पढ़ा है, ये देखिए पिछला हम जो लाइसोसोम पढ़े हैं तो यही लाइसोसोम को ही हम कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में भी हम लोग जानते हैं। 71 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आपने जान लिया दोस्तों यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्तों? लाइसोसोम को ही हम कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। तो 71 का दोस्तों विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दोस्तों अभी आपने जान ही लिया है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुवे ने किया था। कब किया था? 1955 ईस्वी में किया था। तो अगर देखेंगे दोस्तों तो ये जो होता है यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। किसको दोस्तों? यही लाइसोसोम की बात की जा रही है, ठीक है ना। और दोस्तों आपको बता दूं
कि इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। जैसे भी क्वेश्चन देखिए आत्मघाती थैली के नाम पूछ लिया गया ना, तो लाइसोसोम को ही हम आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। तो यहां से कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा 71 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे दोस्तों 72 नंबर पे, और 72 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि राइबोसोम डॉट डॉट बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं, देखिए वसा बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, या फिर दोस्तों स्टार्च बनाते हैं। तो 72 में अगर दोस्तों देखेंगे तो राइबोसोम्स क्या बनाते हैं दोस्तों, आपको दोस्तों बता दूं कि राइबोसोम हमारे प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, प्रोटीन। प्रोटीन दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर सी पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा दोस्तों तो 72 का विकल्प नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट एंड परफेक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों अगर इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, देखिए राइबोसोम जो होते हैं एक जटिल संरचना होती है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए राइसोसोम एक जटिल कोशिका होती है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा राइबोसोम। देखिए राइबोसोम लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या राइबोसोम, आगे हम लोग निकल आए दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ से ये यह हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा राइबोसोम। देखिए राइबोसोम एक जटिल जटिल संरचना होती है, एक जटिल दोस्तों क्या होती है, एक जटिल संरचना होती है, एक जटिल संरचना आगे दोस्तों ले दीजिएगा होती है। राइबोसोम एक जटिल संरचना होती है जो दोस्तों क्या होता है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यहां से आगे आप लिख दीजिएगा जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जीवित आगे दोस्तों लिख दीजिएगा कोशिकाओं, जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो सभी जीवित कोशिकाओं आगे दोस्तों लिख दीजिएगा में पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पाए जाते हैं। तो राइबोसोम एक जटिल संरचना होती है दोस्तों जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर जानेंगे तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं, ये हरित लवक केंद्रक एवं माइटोकांड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 72 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में हम आ जाएंगे दोस्तों 73 नंबर पे, और 73 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा है। देखिये प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे गढ़ा, किसने गढ़ा, गढ़ा का मतलब दोस्तों किसने बनाया, ये बात आपको बताना है। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म नामक वर्ड को दिया या इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नामक शब्द को बनाया था, शब्द किसने गढ़ा था। देखिए जीजे मेंडल ने बनाया था, जोहान इवान टिजलिस्ट पुरकिंजे ने बनाया था, या चार्ल्स डार्विन ने बनाया था, या रॉबर्ट हुक ने बनाया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए यहां पे जो कहा गया कि प्रोटोप्लाज्म किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तो वो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा जोहान इवांजिलिस्ट पुरकिंजे ने बनाया था। यानी कि 73 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट एवं मस्त क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। तो दोस्तों यहां पे आपने जान लिया ये क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा या बनाया था, तो जोहान इवांजिलिस्ट पुरकिंजे ने बनाया था। दोस्तों अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो यह एक क्या होता, देखिए यह जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका दोस्तों इन्होंने कब बनाया था, देखिए अगर देखेंगे तो ये 1839 में इन्होंने इस शब्द की गणना किया था या गठन किया था, कब किया था, देखिए 1839 ईस्वी में किया था, 1839 ईस्वी में किया था। और दोस्तों ये बात हो गई। अब अगर देखा जाए तो यह एक तरल गाढ़ा एवं रंगहीन पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। देखिए इस पदार्थ की कौन सा, प्रोटोप्लाज्म की बात कर ली जाए, किसकी बात की जा रही दोस्तों, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की बात की जा रही है। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोटोप्लाज्म जो होता है मतलब गाढ़ा, देखिए यहाँ पे गाढ़ा होता है, गाढ़ा के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तरल गाढ़ा, देखिए गाढ़ा और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे गाढ़ा तरल, देखिए आगे लिख दीजिएगा गाढ़ा तरल होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो गाढ़ा तरल हो गया, और यहां से फिर आगे अगर देखा जाए तो ये दोस्तों रंगहीन आगे लिख दीजिएगा, रंगहीन होता है, पारदर्शी दोस्तों होता है, पारदर्शी यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा, और दोस्तों लसलसा आगे लिख दीजिएगा, पारदर्शी होगा फिर आगे लिख दीजिएगा लस, फिर आगे लिख दीजिएगा लसा, पारदर्शी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है, आगे लिख दीजिएगा लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। तो ये आपने जान लिया दोस्तों पदार्थ है किसके बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये तरल गाढ़ा होता है, रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, लसलसा एवं वजन युक्त होता है।
तो इसलिए दोस्तों इसको जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां से आपने जान लिया दोस्तों प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, तो जोहान इवांजेलिस्ट पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में गढ़ा था। अब प्रोटोप्लाज्म जो है दोस्तों है यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है, यह रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। तो ये सारी इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 74 नंबर और 74 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि डाट डाट कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो जो वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों का पचाकर कोशिका को साफ कर रखने में मदद करते हैं। देखिए प्लास्टिस्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर गाल्जी हो गया। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है जो किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों लाइसोसोम हमारा। 74 का दोस्तों अगर देखा जाएगा तो विकल्प नंबर 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर जानेंगे, देखिए लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली जो होती है दोस्तों, ये लाइसोसोम का मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, पाचन करना होता है, या मृत कोशिकाओं का निष्कासन करता है और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी करता है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों हो गया, कुल मिलाकर के दोस्तों आपको यहाँ पे पता ही चला कि लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन करना होता है। लाइसोसोम आगे लिख दीजिएगा का मुख्य कार्य, यहाँ पे हम लिख देते हैं मुख्य कार्य पाचन करना या पाचन का कार्य होता है, ठीक है ना। पाचन यानी कि इसका मुख्य कार्य दोस्तों क्या होता है, पाचन करना। इसका देखिए लाइसोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन करना। देखिए इसका मुख्य कार्य दोस्तों ये हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 75 नंबर और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्गेलिन यानी आर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा इस क्वेश्चन को, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि किसी भी आर्गेनल का मतलब होता है दोस्तों बाहरी पदार्थ, यानी कि बाहरी पदार्थों को सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक एवं मददगार होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा लाइसोसोम। यानी कि 75 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 के बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 76 नंबर और 76 नंबर पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन हमको बताना है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे हमारे तीन सत्य होंगे, एक ही हमारा असत्य होगा वही हमको बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। देखिए पहला हो गया। अब दूसरा कहा गया है कि पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, तो ये बात तो हमारी सही लग रही है दोस्तों, पादप कोशिकाएं जो होती हैं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, ये सत्य है। फिर कह रहा जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये भी सही कह रहा है, जंतु कोशिकाओं में लवक दोस्तों नहीं पाया जाता, सही कह रहा है। फिर आगे कह रहा पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियों पाई जाती है जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, ये भी बिल्कुल सही इसने कह दिया है कि जो पादप कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिकाओं में दोस्तों क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, तो ये भी सत्य ही कह रहा है। यानी कि विकल्प नंबर अगर आप एड वाला देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, तो यही गलत कह रहा है जिसने गलत वाले को पूछा है। तो 76 का दोस्तों अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 76 का ए यहाँ पे राइट हो गया और आगे देखेंगे दोस्तों 77 नंबर और 77 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है। इनमें से कहा गया है कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव्य को अतिरिक्त कोशिका कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। कहा गया कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है। देखिए प्लेटलेट्स हो गया, केशिकाएं हो गया, प्लाज्मा हो गया या फिर दोस्तों लसीका हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित होकर, देखिए कहां से अवशोषित होता है, आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, तो वो है दोस्तों लसीका। यानी कि 77 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 77 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो हमारा 77 के बाद यहाँ पे 78 नंबर पे आ जाइएगा।
दूसरे पे हमारा 78 नंबर दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है, कहा गया कि अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है, तो कह रहा ये तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये जो कहा गया है, इसने पूछा है कि कौन अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य वाला कथन हमको बताना है। यहाँ पे कहा है कि अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है, तो ये क्या बता दिया गया, ये तो सही बता दिया गया है। फिर आगे कहा कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है। देखिए इसने क्या बताया, गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है, तो ये इसने गलत कहा है, ये सत्य नहीं है दोस्तों। अब आगे आ जाइए, फिर कहा है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों सत्य कह रहा है ये। फिर कह रहा है जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी बात सही कह रहा है। तो इसने पूछा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं वाला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, विकल्प नंबर कौन सा मिल रहा है, बी वाला। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 78 का बी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा, 78 के बाद दोस्तों हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। देखिए कह रहा कौन से कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, या माइटोकांड्रिया को, या न्यूक्लियोलस को कहा जाता है, या फिर दोस्तों नाभिक को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। देखिए कोशिका का मास्टर कहा जाता है दोस्तों, हम किसको कहेंगे, नाभिक को कहेंगे, यानी कि 79 का देखेंगे तो विकल्प नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों आपने जान लिया कि नाभिक को हम कोशिका का मास्टर कहते हैं, और नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। देखिए यहां से एक बात ये ध्यान रखिएगा, चलिए हम यहाँ पे ये वर्ड लिखे दे रहे हैं। देखिए नाभिक जो होता है, देखिए नाभिक कोशिका के डीएनए को, देखिए कोशिका आगे लिख दीजिएगा, कोशिका के डीएनए देखिए डी आगे दोस्तों लिखेंगे एन ए, देखिए डी एन और आगे लिख दीजिएगा ए, कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट, देखिए की आगे दोस्तों लिख दीजिएंगे ब्लूप्रिंट, आगे लिख दीजिएगा की ब्लूप्रिंट। अब आगे देखेंगे तो ब्लूप्रिंट का दोस्तों क्या होता है, देखिए ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में, देखिए ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है, अपने में आगे दोस्तों लिख दीजिएगा समाहित और आगे दोस्तों लिख दीजिएगा रहता है देखिए रखता है, आगे लिख दीजिएगा। अच्छा ये बात हो गई। दूसरा अब हम लोग अगला विकल्प देखेंगे, सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, यानी कि किसी भी कोशिका में कह रहा है मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, अंतःप्रद्रवी जलिका होता है, नाभिक होता है, गाल्जिकाय होता है, या माइटोकांड्रिया होता है। तो 80 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा नाभिक हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा 80 का बी विकल्प के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो आपने जाना दोस्तों नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, यानी कि मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है दोस्तों, नाभिक होता है, और नाभिक की कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, नाभिक ही कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। देखिए यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो दूसरा एक फैक्ट लिख दीजिएगा, नाभिक ही कोशिका के क्रियाकलापों का, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोशिका के आगे लिख दीजिएगा क्रियाकलापों का, क्रिया आगे लिखिएगा यहाँ पे कलापों का, क्रियाकलापों का, कोशिका के क्रियाकलापों का दोस्तों क्या होता है, नियंत्रण रखता है, क्रियाकलापों का नियंत्रण रखता है, आगे लिख दीजिएगा नियंत्रण, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों रखता है। तो ये बात आपने जान लिया दोस्तों, नाभिक ही कोशिका के क्रियाकलापों का नियंत्रण रखता है, यानी कि 80 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन खाना कहा जाता है। देखिए 81 नंबर हमारा जो दिया गया था कि कोशिका का प्रोटीन खाना हम लोग किसे कहेंगे, देखिए नंबर एक में दिया गया हरित लवक को कहेंगे, लाइसोसोम्स को कहेंगे, माइटोकांड्रिया को कहेंगे, या राइबोसोम को कहेंगे। 81 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइबोसोम को हम क्या कहेंगे, कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहेंगे। तो 81 का दोस्तों यहाँ पे कौन सा विकल्प राइट हो गया, 81 का डी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला दोस्तों देखेंगे 81 के बाद दोस्तों 82 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग
केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो दोस्तों लाइसोसोम हो जाएगा, गाल्जी बॉडीज हो जाएगा, या सेंट्रोसोम हो जाएगा, या राइबोसोम हो जाएगा। तो 82 का दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा लाइसोसोम हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो पशु कोशिका में पाया जाने वाला हमारा का क्या हो जाएगा कोशिकांग, वो हो जाएगा हमारा 82 का विकल्प नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम हो जाएगा। तो लाइसोसोम दोस्तों देख लीजिएगा 82 का हमारा ए ऑप्शन पे दिया गया है। अगर दोस्तों इस लाइसोसोम की बात की जाए, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है लाइसोसोम के बारे में कि इसकी खोज डी डुबे ने किया था 1955 ईस्वी में किया था, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। लाइसोसोम्स को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, आत्महत्या, यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम्स को दोस्तों क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम्स को हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। चलिए ये बातें कुछ इससे रिलेटेड हो गई। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 83 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में अगर चोट लगती है तो कह रहा मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया केवल समसूत्रण का, केवल अर्धसूत्री विभाजन का, माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्री विभाजन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण का। तो 83 का विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा अगला यहाँ पे दिया गया है 83 के बाद दोस्तों हम लोग 84 नंबर पे पहुंचेंगे। और यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। देखिए ओस्टेसाइट्स है, न्यूरॉन है, क्रोमेटोफोसर है, या फिर दोस्तों हमारा लिम्फ कोशिकाएं हैं। तो 84 का अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा एक पशु के शरीर में, किसके शरीर में, देखिए पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों न्यूरॉन हो जाएगा, यानी कि 84 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जानवरों के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या होती है, आपने जान लिया, न्यूरॉन होती है। और दोस्तों आपको बता दूं यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना है। देखिए यानी कि न्यूरॉन जो है हमारा सबसे बड़ी कोशिका जो है जानवरों में सबसे बड़ी कोशिका जो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन का अगर कार्य देखा जाए तो देखिए न्यूरॉन का जो कार्य होता है या क्या इसका कार्य जो होता है, इस मतलब न्यूरॉन का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना होता है। न्यूरॉन का कार्य मस्तिष्क से, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना, मस्तिष्क से आगे लिख दीजिएगा दोस्तों सूचना का, आगे से लिख दीजिएगा आदान, फिर लिखेंगे प्रदान करना, सूचना का आदान और आगे लिख दीजिएगा प्रदान करना। तो ये इससे रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जान लीजिएगा, और अगला हमारा 85 नंबर। और 85 नंबर देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो या सीरीज का हमारा कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों की आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल घंटी जो दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक अधिक मात्रा है, लिखा दोस्तों अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, या अधिक मात्रा है दोस्तों लिखा, ये क्या है दोस्तों अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो 85 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो जल है, कार्बोहाइड्रेट है, शैवाल है, या दोस्तों प्रोटीन है। दोस्तों आपको बता दूं कि एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु दोस्तों हमारा जल हो जाएगा। तो 85 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 86 नंबर, और 86 नंबर पे यहाँ पे कहा गया है कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता, देखिए जीवाणु पर लागू नहीं होता, कवक पर नहीं लागू होता, शैवाल पर या विषाणु पर। देखिए कोशिका का सिद्धांत हमारा जीवाणु पे लागू होता है, कवक पर भी लागू होता है, शैवाल पर भी लागू होता है, लेकिन ये जो जीवाणु दिया है तो कोशिका का सिद्धांत दोस्तों हमारा विषाणु पर, दोस्तों यहाँ पे जो विषाणु शब्द लिखा है विषाणु पर लागू नहीं होता है, यानी कि दिया गया है विकल्प नंबर डी, यानी कि जीवाणु कवक और शैवाल पर लागू होता है लेकिन विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। तो 86 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 87 नंबर, और यहाँ पे
देखिए 87 नंबर में दिया गया कह रहा है निम्न को सुमेलित कीजिए। अब देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए तो यहां पे आपने अभी पढ़ा है, देखिए लाइसोसोम जो होता है हमारा क्या होता है, आत्महत्या की थैली से हम लोग नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, आत्महत्या की थैली नाम से हम लोग जानते हैं। डीएनए दोस्तों क्या होता है, देखिए डीएनए जो हमारा होता है यही डीएनए हमारा क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्रों से पता लगाया जाता है। अब माइटोकांड्रिया जो दोस्तों लिखा, देखिए माइटोकांड्रिया यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, पावर हाउस दिया गया है माइटोकांड्रिया के लिए। अभी आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा भी है कि पावर हाउस हम किसके, पावर हाउस किसे बोलते हैं दोस्तों, माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे किसके लिए क्या हो गया, देखिए ए नंबर एक के लिए हो गया दोस्तों सी विकल्प, और दो के लिए हो गया दोस्तों बी, और यहाँ पे तीन के लिए दोस्तों हो गया हमारा यहाँ पे ए हो गया। तो देखिए ऐसा हमारा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, वन सी, देखिए वन सी, टू बी, थ्री ए दिया गया है विकल्प नंबर बी पे। तो यहाँ पे 87 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 87 के बाद दोस्तों हम लोग 88 नंबर देखेंगे, और 88 नंबर यहाँ पे कहा यह गया है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा यहाँ पे कहा है कि कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। देखिए जीव द्रव्य करता है, केंद्रिका करता है, सूत्र कणिका करता है, या फिर दोस्तों केंद्रक करता है। देखिए कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, देखिए कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, देखिये यहाँ पे कोशिका बताया गया है, अप्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, देखिये जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्र कणिका, या फिर दोस्तों केंद्रक। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक जो हमारा हो जाता है वही हमारा कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक। तो यानी कि 88 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 88 का यहाँ पे डी के साथ राइट हो गया। 88 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो 89 नंबर पे आ जाइए, और 89 नंबर दिया गया है इस पे कहा गया है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, एनाफेज के अकॉर्डिंग, देखिए टेलीफेज, मेटाफेज, या दोस्तों प्रोफेज। अभी मैंने इस क्वेश्चन को पीछे आपको पढ़ा दिया है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आंसर दे ले जाएंगे। यहाँ पे कहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान दोस्तों विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर, यानी कि गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं दोस्तों, वो होता है मेटाफेज। यानी कि हमारा देखा जाएगा तो 89 का दोस्तों विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 89 के बाद हम लोग आ जाएंगे दोस्तों 90 नंबर पे, और 90 नंबर में दोस्तों आप देखिए यहां पे हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट सेल के बारे में दोस्तों अगर यहां पे दोस्तों देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा यहां पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप, यानी कि निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप कहा गया है में कहां पाई जाती है। देखिए एक ये चित्र बना हुआ है और इसमें कहा गया है कि कोशिका पादप कहां पे पाई जाती है। देखिए ये लिखा है न्यूक्लियस वैक्यूल के पास, वैक्यूल के पास, या सेल वाल साइटोप्लाज्म के पास। तो संदर्भ में लिखा, देखिए यहाँ पे सेल वाल्व दिया गया है, कोशिका भित्त, देखिए सेल वाल्व में सब जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कोशिका भित्त, और दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य होता है, और न्यूक्लियस होता है दोस्तों केंद्रक होता है, और ये वैक्यूल जो होता है दोस्तों रसधानी होता है। तो देखिए इन्हीं में से आपको बताना है कि ये जो कोशिका मतलब दिखाया गया जो चित्र है कोशिका पादप में कहां पाई जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, डी में दिया गया दोस्तों, आप देख लीजिएगा जड़, तो जड़ हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चित्र में दोस्तों आपको जो बता दूं जो कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है, कोशिका जो होती है इनके इसके जड़ों में पाई जाती है, यानी कि जड़ हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 90 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी में जड़ मौजूद है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने कोशिका पादप के जड़ों में पाई जाती है, कोशिका जो होती है वो पादप के जड़ों में पाई जाती है। देखिए कोशिका कहाँ पाई जाती है, अगर यहाँ पे देखेंगे कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है, तो इस जगह पे आप क्या लिख देंगे, जड़ में पाई जाती है या जड़ों में पाई जाती है, ये बात आप यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों और इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे, तो आपको बता दूं कि कोशिका सभी जीवों में जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिकाएं दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, देखिए एक होती है यूकैरियोटिक तथा एक होती है प्रोकैरियोटिक। अब पादप कोशिकाएं दोस्तों जो होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कोशिकाएं दो टाइप की होती हैं, दो आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, दो प्रकार की होती हैं। पहला कोशिका होता है दोस्तों क्या होता है यहाँ पे यूकैरियोटिक, देखिए यहाँ पे लिख देंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और दूसरा दोस्तों हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है
प्राकैरियोटिक, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, प्राकैरियोटिक, देखिए प्राकैरियोटिक ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब अगर दोस्तों यहां पे ये दो बातें हो गई, अब अगर यहां से अगर जानेंगे तो देखिए जो ये मतलब जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। देखिए यहां पे अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, यहां पे देखिए पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिकाएं, देखिए यहां पे पादप कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं जो होती हैं, पादप कोशिकाएं यूकैरियोटिक होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं पादप कोशिकाएं दोस्तों क्या होती हैं, यूकैरियोटिक, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा होती है, पादप कोशिकाएं दोस्तों क्या होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक है भाई, तो ये इतनी सारी बातें हो गई इससे रिलेटेड। और अगला क्वेश्चन यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम यहां पे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 91 के बाद, 90 के बाद दोस्तों 91 नंबर, और 91 नंबर में कहा है कि पादप कोशिकाओं में मौजूद डॉट डॉट की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। देखिए अगर पादप कोशिकाओं में मौजूद डॉट डॉट की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, देखिए किसमें, जल में परिवर्तन कर देती है, विद्युत रासायनिक स्पंदों में परिवर्तन करती है, या हार्मोन में, या फिर दोस्तों प्रोटीन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे मौजूद जल की मात्रा के संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो जल दिया गया देखिए विकल्प नंबर ए पे, तो 91 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 91 के बाद दोस्तों 92 नंबर पे आ जाइए, और 92 नंबर पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। देखिए पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, देखिए चार ऑप्शन दिए गए, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 92 में जो दिया गया, पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उनकी उनको ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, यानी कि उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ज्यादातर कोशिकाएं मृत पाई जाती हैं, वो कुछ ही कोशिकाएं जिंदा अवस्था में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए दोस्तों पौधों में जो होता है ये उनको ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 92 का अगर दोस्तों देखेंगे तो 92 का हमारा विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 92 का दोस्तों कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों जानवरों की बात कर ली जाए, पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है, पौधों को जानवरों की देखिए पौधों को जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है, तो क्योंकि पौधों के शरीर जैसे कई मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन जानवरों में देखेंगे तो उनमें मृत कोशिकाएं पूरी होती हैं, मतलब मृत कोशिकाएं उसमें नहीं होती हैं, तो उनको मतलब क्या होती है, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब पौधों में क्या होता है, पौधों में देखा जाए तो मृत कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए इनकी आवश्यकता कम पड़ती है। तो ये इससे कुछ रिलेटेड बातें हो गई दोस्तों। और अगला फैक्ट चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 92 के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग 93 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। देखिए क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों 93 का अगर यहाँ पे आप देखेंगे, कहा गया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। देखिए यहाँ पे अभी तक दूसरा पूछा था, अब कह दिया कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है, तो दोस्तों आप जान लीजिएगा क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। यहाँ पे विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ पे 93 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 93 का यहाँ पे हमारा ए हो गया, और 93 के बाद दोस्तों हम लोग 94 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। देखिए लवक और माइटोकांड्रिया के होते हैं, लवक और गाल्जिकाय के होते हैं, माइटोकांड्रिया और गाल्जिकाय के होते हैं, या फिर दोस्तों माइटोकांड्रिया और लाइसोसोम के होते हैं। तो 94 का दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे, लवक और माइटोकांड्रिया ये होता है हमारा, देखिए 94 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। देखिए लवक के भी अपने राइबोसोम और डीएनए होते हैं, और माइटोकांड्रिया के भी अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये विकल्प नंबर ए पे मौजूद था, इसलिए दोस्तों 94 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
अगला दोस्तों देख लीजिएगा 94 के बाद दोस्तों हम लोग 95 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कहाँ होती है। देखिए रसधानी में होती है, हरित लवक और माइटोकांड्रिया में होती है, पर ऑक्सीसोम में होती है या फिर दोस्तों माइटोकांड्रिया में होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसने पूछा क्या है, देखिए पादप कोशिका में यानी कि जो पादप कोशिका होते हैं उसमें श्वसन की क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं वो कहां होती है दोस्तों, वो होती है माइटोकांड्रिया में। यानी कि 95 का अगर दोस्तों देखेंगे तो डी विकल्प के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 96 नंबर। और यहाँ पे कहा गया है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। अभी अभी आपने पढ़ा, देखिए अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, गालजी काय में, रसधनियों में, लाइसोसोम में या फिर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में हम लोग संचित करते हैं। 96 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अपशिष्ट उत्पादों या पदार्थों को पादप कोशिका के अंदर दोस्तों रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचना है। अब पादप कोशिकाओं में दोस्तों रसधानियां जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। कभी कभी एक रिक्त मतलब रिसक्तिका पादप कोशिकाओं के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकती है। तो यहां पे आपने जान लिया कि अपशिष्ट जो उत्पाद होते हैं दोस्तों वो पादप कोशिकाओं के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। तो विकल्प नंबर 96 का यहाँ पे भी हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 96 के बाद दोस्तों 97 नंबर। और यहाँ पे कहा है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, देखिए पर्णहरित को बोलेंगे दोस्तों अंग्रेजी में तो क्लोरोफिल बोला जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक या पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है। हरित लवक में होता है, लाइसोसोम में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है या राइबोसोम में होता है। दोस्तों आपको बता दूं इन चार ऑप्शनों में से ये हमारा पर्णहरित की बात की गई है अर्थात दोस्तों क्लोरोफिल की बात की गई है तो ये हमारा हरित लवक में पाया जाता है दोस्तों, हरित लवक में मौजूद होता है। तो 97 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। हरित लवक पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है, इसमें मौजूद पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। दोस्तों ये क्लोरोफिल से ही हम लोग क्या करते हैं, हरित लवक में दोस्तों क्या होता है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पर्णहरित वर्णकों की सहायता से, देखिए यहाँ पे अगर लिख देंगे क्लोरोफिल की सहायता, आप यहाँ पे क्लोरो लिख दीजिएगा चाहे पर्णहरित लिख दीजिएगा, क्लोरोफिल देखिए आगे लिखेंगे हम लिखेंगे क्लोरोफिल के दोस्तों क्या, क्लोरोफिल का अगर देखेंगे क्लोरोफिल के वर्णकों की सहायता से या क्लोरोफिल की सहायता से, आगे सीधा सीधा आप ये लिख दीजिएगा क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों प्रकाश, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, क्रिया आगे दोस्तों लिख दीजिएगा संपन्न, देखिए क्रिया संपन्न होती है, क्रिया संपन्न आगे दोस्तों लिख दीजिएगा होती है। ये बात हो गई दोस्तों हमारी। और अगला क्वेश्चन इसके बारे में जानेंगे दोस्तों हम लोग 97 के बाद दोस्तों 98 पे आ जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, माइटोकांड्रिया में, लाइसोसोम में, रसधानी में या फिर दोस्तों लवक में। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा है कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों कहां में पाए जाते हैं, लवक में पाए जाते हैं। 98 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, तो दोस्तों वो हो जाएगा लवक, लवक हमारा दिया गया डी ऑप्शन पे, जो डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 99 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है जब आप किसी पादप कोशिका या कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनुवाह माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करता है। देखिए केंद्रक हो जाएगा या फिर दोस्तों कोशिका द्रव्य हो जाएगा या प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा या कोशिका भित्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जब
दो पादप कोशिकाएं कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं। जब जंतु कोशिका फट जाएगी पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब का सहन करने में सहायता करेगा? तो ये सहायता करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कोशिका भित्त सहायता करेगा। हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, कोशिका भित्त 99 का दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्त हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या बन गया दोस्तों, राइट आंसर बन गया। और अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखेंगे या इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे तो आपको बता दूं दोस्तों, पादप कोशिका में कोशिका भित्त पाई जाती है। कोशिका भित्त आने वाले जल के दाब को सहन करने में कोशिका की सहायता करती है और यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यानी कि कुल मिलाकर के 99 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 100 नंबर, और 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। कहा गया कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? देखिए कहा गया कि निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो तीर बनाए गए हैं, देखिए चार तीर बनाए गए हैं। अब देखिए इन्हीं चारों तीरों में से कोई एक जगह पे होगी। तीर फर्स्ट द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर सेकंड द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में, तीर चार द्वारा दिखाए गए, तीर तीन द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो तीर चौथा हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपशिष्ट उत्पाद हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अपशिष्ट उत्पाद हमारा यही बनेगा। तीन नंबर जो चार दिया गया है ये दिया गया दोस्तों सी ऑप्शन पे, तो 100 का अगर दोस्तों देखेंगे तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आकृति में अगर जो दिखाया गया दोस्तों अपशिष्ट है, जो तीर जहां चार पे तीर लगाया गया है वही हमारा अपशिष्ट उत्पाद हो जाएगा। और अगर दोस्तों देखेंगे तो इस जहां पे चार नंबर अपशिष्ट उत्पाद दिया गया है, ये दोस्तों क्या है, इसको जालिका में पाया जाता है या रसधानी आप कह सकते हैं। ये दोस्तों कहां पाया जाता है, देखिए ये जो हमारा है ये कहां है, ये रसधानी में है। कहां पे है दोस्तों, रसधानी या फिर दोस्तों जालिका आप कह सकते हैं, जालिका में पाया जाता है। तो अच्छा ये बातें हो गई दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100 के बाद दोस्तों हम लोग 101 नंबर पे आ जाएंगे। और 101 नंबर हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक का, अवर्णी लवक का, वर्ण लवक का या जीव द्रव्य का? करण निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करता है? हरित लवक और अवर्णी लवक, वर्ण लवक या फिर जीव द्रव्यक का? दोस्तों यहाँ पे 101 का हम आपको बता दें कि दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा अवर्णी लवक इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 101 का विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन पूर्णतया राइट हो जाएगा। देखिए आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे जो होता है हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण होता है। देखिए किसका किसका, देखिए स्टार्च प्रोटीन का दोस्तों और तेल कणिकाओं का संग्रहण होता है, तो वो होता है अवर्णी लवक में होता है, विकल्प नंबर डी पे मौजूद है। तो 101 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 102 नंबर हमारा, देख लीजिएगा कहां पे दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा 102 नंबर हमारा दिया गया। कहा गया कि निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहां पाई जाती है? देखिए जो ये चित्र में कहा गया है, दर्शाया गया है कि ये कोशिका का डायग्राम है, करक कोशिका कहाँ पाई जाती है? देखिए यहाँ पे जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्ररोहों में, तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों और प्ररोहों में क्या पाया जाता है, कोशिका पाई जाती है। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, दिए गए दर्शाए गए चित्र में कोशिका कहाँ पाई जाती है दोस्तों, पत्तियों और प्ररोहों में। तो 102 का विकल्प नंबर यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 102 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे 103 नंबर, और 103 नंबर में कहा है कि वायुतक लिखा है, वायुतक कोशिकाएं डाट डाट में पाई जाती हैं। देखिए मटर में पाई जाती हैं, जलकुंभी में पाई जाती हैं, नीम में पाई जाती हैं या फिर दोस्तों नागफनी में पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाओं की बात की गई, देखिए वायुतक कोशिकाएं की बात की गई है। तो ये जो हमारा लिखा वायुतक कोशिकाएं जो है दोस्तों हमारी कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं दोस्तों जलकुंभी में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, जलकुंभी लिख देंगे। तो जलकुंभी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी विकल्प में, तो 103 का विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे 103 का दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया था। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 104 नंबर, यहाँ पे कहा है कि रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? देखिए ल्यूकोप्लास्टिड कहलाएंगे,
या एपिकोप्लास्टिड कहलाएंगे, क्रोमोप्लास्टिड कहलाएंगे या क्लोरोप्लास्टिड कहलाएंगे, रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? तो देखिए रंगहीन जब वो लवक होते हैं दोस्तों प्लास्टी, ये जो लिखा ल्यूकोप्लास्टिड कहलाएंगे। ल्यूकोप्लास्टिड दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे, तो 104 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो रंगहीन लवक क्या कहलाएंगे दोस्तों, ल्यूकोप्लास्टिड कहलाएंगे। ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रंगहीन लवक दोस्तों ल्यूकोप्लास्टिड कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण और भंडारण के लिए महत्वपूर्ण अंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 104 के बाद दोस्तों 105 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होता है? देखिए विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। देखिए 105 का हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे कहा गया कि कुछ जीवाणु, देखिए कुछ जीवाणु जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहाँ स्थित होता है? विशेष झिल्लियों पर, हरित लवक में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। दोस्तों यही हमारा जो दिया गया है प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में, यानी कि 105 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 106 नंबर, और 106 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां डॉट डॉट से बनी होती हैं। पादप कोशिकाओं की भित्तियां दोस्तों किससे बनी होती हैं? देखिए साइटोसाल से, कोशिका द्रव्य से, सेल्यूलोज से, या फिर दोस्तों ग्लूकोज से। तो 106 का दोस्तों आपको बता दूं कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है दोस्तों, वो बनी होती है दोस्तों सेलुलोज से बनी होती है। 106 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 106 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 107 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि पौधों में कोशिका भित्त का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? माल्टोज कहेंगे, सेलुलोज कहेंगे, सुक्रोज कहेंगे, या फिर दोस्तों लैक्टोज कहेंगे। पौधों में कोशिका भित्त का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? माल्टोज, या फिर दोस्तों सेलुलोज, या फिर दोस्तों सुक्रोज, या फिर दोस्तों लैक्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलुलोज कहा जाएगा, यानी कि पौधों में कोशिका भित्त का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं दोस्तों? सेलुलोज कहते हैं। तो यानी कि 107 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए अगला दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, 107 का हमारा बी विकल्प के साथ राइट हो गया। और आगे आ जाइए दोस्तों 108 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा कोशिकांग जो है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? गाल्जीकाय का, माइटोकांड्रिया का, राइबोसोम का, या फिर दोस्तों हरित लवक का? तो 108 का दोस्तों हमारा हो जाएगा डी विकल्प, हरित लवक का, यानी कि 108 का हमारा डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वो है दोस्तों हमारा हरित लवक, यानी कि 108 का डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उपयोग किया जाता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कौन दोस्तों? हरित लवक जो है, ठीक है ना, तो तभी जाके इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों आप जान लीजिएगा हरित लवक एक प्रकाश का कोशिकांग है जो पादप एवं शैवाल की कोशिका में पाए जाते हैं। ये पौधे में भोजन का निर्माण में सहायक होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, और इसी कारण हरित लवक को दोस्तों कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। हरित लवक को दोस्तों क्या कहा जाता है? देखिए हरित लवक को कोशिका का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, चलिए यहाँ पे हरित लवक को कोशिका का घर भी कहा जाता है। यहाँ पे किसका घर कहा जाता है दोस्तों? कोशिका का, आगे लिख दीजिएगा घर भी कहा जाता है, कोशिका का घर भी कहा, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा जाता है। ये हो गया दोस्तों इसका कुछ फैक्ट हो गया। और आगे दोस्तों आ जाइए 109 नंबर पे, और यहाँ पे कहा है कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, या फिर दोस्तों हमारा आयरन होता है। तो क्लोरोफिल में यहाँ पूछा गया है दोस्तों, तो क्लोरोफिल में आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों हमारा मैग्नीशियम उपस्थित होता है, यानी कि क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? दोस्तों मैग्नीशियम उपस्थित होता है, यानी कि 109 का हमारा देखेंगे तो सी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, क्लोरोफिल में हमारा क्या उपस्थित होता है दोस्तों? मैग्नीशियम उपस्थित होता है।
चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, 110 नंबर और 110 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए केवल पादप कोशिकाओं में दोस्तों कह रहा है क्या पाया जाता है, देखिए गालजीकाय पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, लवक पाया जाता है या फिर दोस्तों केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों आप बता दूं कि पादप कोशिकाओं में जो केवल पाया जाता है वो दोस्तों लवक होता है, तो 110 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे 110 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे आ जाइए दोस्तों 111 नंबर, और 111 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, हीमोसाइनिन या मेरोसाइनिन या इंडोसाइनिन या एंथोसाइनिन। तो यहाँ पे 111 का दोस्तों आप अगर आप जानेंगे तो एंथोसाइनिन्स जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पे दिया गया है, तो 111 का हमारा कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है, तो वह है दोस्तों एंथोसाइनिन्स हो जाएगा हमारा 111 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 111 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे 112 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्कक वर्णक जो लिखा वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, जैथोफिल के कारण या फिर दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा होता है जो पौधों में कलर होता है यानी कि फलों में या पौधों में कलर होता है नीला कलर, बैगनी कलर, लाल कलर, ये सब जो हमारे होता है दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये एंथोसाइनिन के कारण होता है, यानी विकल्प नंबर देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 112 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 112 का दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमने बी पे टिक लगाया तो बी टिक हो जाएगा हमारे, मुझसे दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आ गया सी, लेकिन हमारा राइट क्या होगा दोस्तों यहाँ पे बी, बी पे हमने टिक लगा के रखा है ना, तो यहाँ पे 112 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि पौधा में पाया जाने वाला दोस्तों नीला बैगनी या लाला लाल लाला निकल आया दोस्तों लाल फ्लेनोवाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण पौधों में कलर का पहचान होती है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 112 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा 113 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया है या दोस्तों राइबोसोम है। तो 113 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग या पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वो है हमारा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा 113 यानी कि 113 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों 114 नंबर में देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा प्रदान करता है। तो सभी जानते हैं दोस्तों पत्तियों को हरा प्रदान करने के लिए क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 114 का दोस्तों सी ऑप्शन पे दिया है, तो यही इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और दोस्तों ये आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट इंटरप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों यदि आपका कोई भी किसी प्रकार का राय और सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों जब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों बेनिफिट है। ग्रुप में बेनिफिट इस बात के लिए है दोस्तों कि आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ ग्रुप पे दिया जाता है, साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक वगैरह चाहिए तो उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे दिया जाता है, और दोस्तों आपको पर डे डे बाई डे का करंट अफेयर भी हमारे ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ग्रुप से भी जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि ग्रुप में जुड़ने से आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों 115 नंबर हमारा क्वेश्चन, और आज के इस पार्ट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। इस पे कहा है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो देखिए अभी पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा है और इस क्वेश्चन में भी वही बात पूछी गई है कि पौधे का जो रंग हरा होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। तो यहाँ पे 115 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया था, बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें अपना सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी और वीडियो का ओपिनियन भी हमें दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।